हेलो एवरीवन दिस इज़ करण फ्रॉम आई दिल्ली एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स वाला के बैचेस का रिव्यू आज हम लक्ष्य जई और अर्जुना जयी के बैचेस का रिव्यू कर रहे होंगे हम आपको इसमें बताएंगे कि बैच कैसा है रिव्यू कैसा है और इसके साथ ये भी बता रहे होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप उससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी वीडियो है और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए केमिस्ट्री कंटेंट के लिए केमिस्ट्री टीचिंग टॉपिक्स के लिए स्ट्रेटेजीज़ के

और और उसके बाद ये एडवांस लेवल का कंटेंट भी कराते हैं अपने बैचेस में भी कराते हैं और इनके पास अलग बैचेस भी होते हैं एडवांस के लिए भी और जिसका कंटेंट सबको अवेलेबल होता है मैं बता दूँ पी के बनते, है, बनते हैं अलग बैचेस बनते हैं एडवांस के लेकिन उसका कंटेंट सबके पास जाता है हर बैच में जाता है ऐसा नहीं है कि खाली उसी बैच में जाएगा और टीचर्स भी क्वेश्चंस कराते 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 हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बस हाँ वो धीमे 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 लेवल बनाते हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सीधे ही बच्चे को टप टप चीज़ें कराने लगोगे तो उसका कॉन्फिडेंस गिर सकता है दे सकता है बिकॉज उनके पास ऑडियंस ज़्यादा है बच्चे ज़्यादा हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे ही बच्चों को सब कुछ आता होगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यार नहीं मिले होते नाइन टेंथ में रिसोर्सेज नहीं मिले होते जिनका बेसिक्स बहुत वीक होते हैं तो ज़रूरी है कि पहले बेसिक्स से उठाया जाए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए सब्जेक्ट में तभी तो वो पढ़ेगा ताकि वो कुछ सोच तो सकता है कि आई को क्वालिफ़ाई करने का तो ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी चीज़ है तो कंटेंट बेसिक से उठा के है एडवांस का भी है अलग बैचेस में भी है और उनका कंटेंट आपको मिलता भी है तो वो कराया जाता है बस किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो आपके ऊपर है और सही टाइम पे सही चीज़ कराई जाती है ऐसा नहीं है कि तुरंत ही चालू हो गए एडवांस है या तुरंत ही थोड़ा हाई लेवल से स्टार्ट हो गए तो प्रॉपरली हर चीज़ मैनेज है वो इस बेसिस पे ये बनाया गया है कि हाँ एक बच्चा जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो आई आई टी का यार तक पढ़ भी सकता है तो वो आज वो सपना देख सकता है एटलीस्ट उस अपने सपने के लिए स्टार्ट कर सकता है पढ़ना आई के चीज़ के लिए मान लो जिसको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं आते वो बंदा तो ऐसी हार मान जाएगा ना तो अगर उसको बहुत टफ़ पढ़ाने वाला मिल गया तो तो ऑब्वियसली दिक्कत है कम से कम धीमे धीमे उस बंदे को उठाओ तो तब वह जाके आगे पहुंच पाएगा तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली और कंटेंट है पूरा कंटेंट है ठीक है क्योंकि बेसिक्स काफ़ी सारे बच्चों के वीक होते हैं तो ये चीज समझना हमें जरूरी है तो दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको दिया जाता है स्टार्टिंग ही डेट वाइज प्लानर आपको पता रहेगा कि इस डेट पे ये टॉपिक कराया जाएगा इस डेट पे ये टॉपिक कराया जाएगा तो अगर आप उसको पहले से पढ़ लेते हो थोड़ा सा भी अगर आप जाने से पहले आइडिया ले लेते हो तो आप ब्लैंक नहीं रहोगे क्लास में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि टीचर क्या पढ़ा पा रहा है आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाओगे ठीक है तो मतलब आपको पता है पहले से क्या करना जाना क्या कराया जाएगा तो आप पहले से ही आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है ये चीज़ क्लास में ठीक है ये फ़ायदा है डेट वाइज प्लानर का मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी चीज़ है ये भी अब दिक्कत क्या क्या आती है जो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या दिक्कत आती है सबसे पहली दिक्कत तो बच्चे ये समझ के बैठ लेते हैं कि हमने बैच खरीद लिया मतलब हमारा सिलेक्शन तो हो गया है ना बच्चे समझ लेते हैं कि हमने बैच खरीद लिया मतलब हमारा सिलेक्शन तो हो गया यार ऐसा नहीं होता आप पढ़ोगे नहीं आप टीचर की कही हुई एक एक बात मतलब लिखवाना वाला नहीं कि जो बोर्ड पे लिख दिया जब कई बार ऐसा होता है टीचर्स काफ़ी चीज़ें ऐसे बोल देते हैं कि आपको ये फॉलो करना है तो भाई मतलब वो करना है कर रहे हो अपने टीचर पे ट्रस्ट तो पूरा ट्रस्ट करो जो जो बोल रहा है वो एक एक चीज़ करो जब तक वो करोगे नहीं उसके पहले नहीं बोल सकते कि यार कंटेंट ऐसा था कंटेंट वो था पहले करो अगर आपने हंड्रेड वो चीज़ करी है तो पहले वो तो करो जो 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 एक एक चीज़ बोली जा रही है आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी अब हर एक चीज़ फॉलो करो मतलब जो भी बोला जा रहा है लगाने को आपको डी लगानी है लेक्चर्स अटेंड करने हैं प्रॉपरली आपको बुक्स लगानी है आपको बुकलेट लगानी है आपको सब कुछ लगाना है आपको पूरी मेहनत करनी है खाली टीचर के बता देने से खाली क्लास ले लेने से लेक्चर ले लेने से आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होता कि हमने बैच ले लिया हमने लेक्चर्स देख के नोट्स बना लिया हमारा सिलेक्शन हो गया ऐसा नहीं होता आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी टीचर की मेहनत और बच्चे की मेहनत जब दोनों चीज़ें साथ में मिलती हैं तभी सिलेक्शन होता है खाली टीचर कभी भी सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर सकता कोई भी हो जाए बच्चे की मेहनत होती है मैं तो कहता हूँ बच्चे की ज़्यादा मेहनत होती है टीचर का तो बस कुछ परसेंट रोल हो रहा होता है गाइड करने के लिए मैक्सिमम रोल उस बच्चे की मेहनत का होता है ठीक है अब अब दूसरी चीजें कि होते हैं ऑनलाइन बैचेज तो यहाँ पे चाहिए बहुत अच्छे से डेडिकेशन कि आप बैच की क्लासेस को मिस नहीं करेंगे मिस कर रहे हैं बाई चांस तो उसको उसी दिन कवर करेंगे अगले दिन कवर करेंगे लेकिन बैकलॉग नहीं बनने देंगे ज़्यादा और कवर अच्छे से करेंगे सिंसियरली ये नहीं कि मस्ती मजाक में क्लास चल रही है बस टू पे भगाए जा रहे हैं टू पे देखे जा रहे हैं नहीं प्रॉपरली समझ के देखना है प्रॉपरली जो जो बोला गया फॉलो करना है प्रो नहीं करना कि हम नहीं करेंगे या फिर अरे बस नोट्स बना तो लिए हैं इसी से तो हो जाएगा ये तो पी का बैच है नोट्स बना लिए हो जाएगा नहीं क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे तो लेक्चर देख के क्या कर लोगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे प्रैक्टिस की हैबिट नहीं बनाओगे तो टीचर क्या कर लेगा फिर बोलोगे कि टीचर की गलती थी नहीं ना तो पहले पूरी मेहनत खुद से करनी है और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब टेस्ट होते हैं टेस्ट को आधे बच्चे मिस करेंगे फिर बोलेंगे हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा जब टेस्ट मिस करोगे तो कैसे आएगा बल्कि यहाँ पर तो टेस्ट में कितने सारे बच्चे होते हैं तो आपको तो ऑल इंडिया लेवल का फील आना चाहिए आपको टेस्ट ऑनेस्टली दोगे गलतियाँ इंप्रूव करोगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लेक्चर के बाद क्वेश्चन से नहीं होते वो टेस्ट के क्वेश्चन तो मैं समझ में आ रही होती है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट नया था हाँ एक नया कॉन्सेप्ट था तो काफ़ी सारी ऐसे ऐसी चीज़ें एक टोटल मिला के सीख रहे होते हो तो सीधी सीधी बात है कि आपको टेस्ट देना है क्योंकि आपके वो आगे के एवेल्यूशन में भी काफ़ी काम आता है बैचेस के लिए तो आपको टेस्ट सेंसेरली देना है आपको डेडिकेशन से पढ़ना है और कंटेंट सही है क्योंकि ऑब्वियस ओब्वियसली बात है यार वो जो बच्चा जो कभी सोच भी नहीं सकता था आई जाने का एन जाने का वो अब एक सपना ले सकता है बिल्कुल क्योंकि बेसिक से नहीं उठाओगे तो दिक्कत आती है मैं खुद ही बता रहा हूँ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बेसिक्स नहीं आते होंगे जिनको लॉक का बेसिक नहीं पता होगा जिनको मोल मोल तो छोड़ो मोल से भी काफ़ी कम बेसिक आ हो जाए वो भी नहीं पता होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें तो जो वहाँ से अगर उठा पा रहे तो बच्चा अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालेगा बच्चा सिंसियरली सारे काम करेगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है तो ये था मेरा रिव्यू कोई बायसनेस नहीं थी बस मैं बताना चाहता था कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी जो चीज़ें अच्छी है क्योंकि एज़ अ होल देखें तो ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं तो इन्हीं चीज़ के लिए ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ कमेंट में करिएगा अगली आपको अगली वीडियो किसपे चाहिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेट यून विद केमिस्ट्री विद करण थैंक यू सो मच